नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जम्मू लिए चलेंगे, जहां पर जनरल हाउस की बैठक हुई, लेकिन किस तरह से विवादों में ये घिरती हुई नजर आ रही है। विवादों में यहां जम्मू नगर निगम का जनरल हाउस जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। नाराज कांग्रेस पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया है। फंड्स के अभाव और विकास की अनदेखी का भी लगातार आरोप जो है वो लग रहा है। इससे पहले कल आपने देखा किस तरह से जनरल हाउस की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें पूरी तरह बड़े बड़े मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहां पर बताया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा और साथ ही ड्रग एब्यूज को लेकर काम किया जाएगा। कई तरह के पार्षदों के मुद्दों को सुनने की बात हुई। लेकिन आज आप देखिए सुबह सुबह किस तरह से खबर जम्मू से देखने को मिल रही है। नगर निगम के ही जनरल हाउस की बैठक अब विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है और यहां पर फंड्स का अभाव होने का आरोप लग गया है। कांग्रेस के पार्षदों ने यहां पूरी तरह से इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के पार्षद जो है वो बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन आज आप देखिए फंड्स के अभाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस लगातार मुद्दा बनाती हुई नजर आई। अब देखना ये होगा कि यहां पर जो मेयर हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बयानबाजी जो है वो सामने रखी जाती है, क्योंकि कल एक बड़ा दावा पेश किया गया था कि किस तरह से यहां पर जनरल हाउस वो काम करेगा। नगर निगम का जनरल हाउस एक बार फिर से विवादों में घिर गया है और विवादों में घिरने के बाद कांग्रेस पार्षदों ने पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से नाराज कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ कई मुद्दों को सामने रखने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह आप देखिए फंड्स का आरोप यहां पर लग रहा है कि फंड्स का अभाव है, फंड्स नहीं आ पा रहे हैं, लोगों का लाभ जो है वो किस तरह से उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए एक बड़ा दावा तो जरूर पेश किया गया था लेकिन उसमें कितना काम हुआ। रतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतिका, कल आपने देखा कि बहुत ज्यादा चर्चा जो है वो देखने को मिली, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक बड़ा ऐलान सामने आया, उसके साथ साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई, लेकिन आज जब बैठक का दौर शुरू हुआ तो कांग्रेस के पार्षद कहीं ना कहीं बहिष्कार करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जेएनसी की जनरल हाउस मीटिंग का आज दूसरा दिन था, जिसके चलते हंगामे की शुरुआत सुबह ही कर दी गई थी। आपको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी काउंसिलर हैं, जितने भी कॉर्पोरेटर हैं, उनकी तरफ से बहिष्कार किया गया। दो मुख्य वजहें उन्होंने इसके पीछे की बताई है। पहली वजह उनकी ये है कि जितने भी समस्याएं कल उन्होंने प्रश्नों के माध्यम से उजागर करने की कोशिश की, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, फिर और जवाब में एक ही बात निकल के आएगी, फंड अवेलेबल नहीं है। तो उनका ये सवाल आ रहा है कि अगर फंड ही नहीं है तो लोगों के काम हम किस प्रकार से करवाएंगे। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अंदर फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं चल रहा था, जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे वहां से उठा के उन्हें पीछे जाने को बोला जा रहा था, कहीं ना कहीं वायरस होते हुए अंदर तमाम लोग दिख रहे थे। और इसी चीज से अपमान को महसूस करते हुए उन्होंने आज की जनरल हाउस मीटिंग का बहिष्कार करते हुए कहा कि हम तब तक वहां वापिस नहीं जाएंगे जब तक उनके साथ जो ये मिस्टेक किया गया है उसके लिए माफी नहीं मांगी जाती। सवाल यहाँ पर ये है कि जब इलेक्शंस हो रही थी उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सवाल रखा गया था कि सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होना चाहिए, जो नहीं हुआ उस वक्त भी रोष देखा गया। लेकिन आज अगर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर कांग्रेस को देखा जाए तो हाउस के अंदर उन्होंने बातें यहाँ पर उठाई है, क्या लगता है मेयर की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती है? क्योंकि अगर ऑपोजिशन ने एक बड़ा सवाल उठाया है तो इस पर गौर फरमाने की जरूरत थी। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाह रहे हैं इन तमाम चीजों के जवाब जो है वो आने वाले समय में अगर कोई डिस्कशन करवाई जाती है तब बोल सकते हैं, परंतु दो दिन की जो जनरल हाउस मीटिंग होने वाली थी इसमें शुरू से ही एक तय शेड्यूल के मुताबिक पूरा प्रोसेस बनाई गई थी, जिसमें रेजोल्यूशन प्रेजेंट किए जाने वाले थे, जिसमें लिमिटेड सवाल थे, पर कॉर्पोरेटर सिर्फ एक सवाल की अनुमति दी जा रही थी और उसके अलावा डिस्कशन के लिए कुछ मुख्यतः मुद्दों को ही इजाजत दी गई थी। तो ऐसे में समय की नजाकत को देखते हुए ज्यादा बातों करने को लेकर कोई भी इजाजत वहां पे नहीं थी, ना ही ज्यादा मुद्दों को उजागर करने को लेकर किसी चीज की इजाजत थी, पर कॉर्पोरेटर से 10 मिनट ही दिए जा रहे थे, उनसे ज्यादा का समय देने की इजाजत भी नहीं थी। तो इसके चलते डिस्कशन करना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं लग रहा था। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मेयर की तरफ से कहा गया कि इन बातों पे बाद में जरूर डिस्कशन की जाएगी। चलिए रतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर रोष जो है वो अपोजिशन के पार्षदों के अंदर देखा गया है। कांग्रेस के पार्षद यहाँ पूरी तरह से रोष प्रकट करते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस बीच में आप देखना ये होगा कि किस तरह से मेयर की तरफ से एक बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी तरीके से जब से उन्होंने पदभार संभाला है तो एक बड़े बड़े ऐलान जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पार्षद पूरी तरह से नाराज हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी आईवी के हवाले से क्या कुछ खबर है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इस वक्त आप देखिए जम्मू में आईवी पर और सतर्क यहां पर सीमा के प्रहरी हो गए हैं। आईवी पर बॉर्डर पेट्रोलिंग ने अब जोर पकड़ लिया है। एलओसी पर बर्फ पड़ने के बाद आईवी पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से
मौसम ने करवट बदली है। बर्फबारी का सिलसिला एलओसी पर, लेकिन उसके साथ साथ आईबी पर भी चौकसी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत करने की कोशिश, आतंकवादियों की तरफ से कायराना हरकत करने की कोशिश अक्सर देखी जाती है। जब मौसम खराब होता है या बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो उससे पहले आईबी पर किस तरह से जवानों ने अपनी सतर्कता को बढ़ा दिया है, और साथ ही साथ आईबी पर बॉर्डर पेट्रोलिंग को अब बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर पेट्रोलिंग ज्यादा तरीके से करने की कोशिश की जा रही है और सेना के जवान इस वक्त पूरी तरह से मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। डीजीएमओ लेवल की यहां पर बैठक जरूर हुई, जिसमें सीज फायर का समझौता हुआ, लेकिन फेंसिंग के नीचे से हर बार देखिए घुसपैठ किस तरह से करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन एक बड़ी अपडेट अब जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आईबी सेक्टर के अंदर बड़ी पेट्रोलिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। सीमा के प्रहरी पूरी तरह से मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए जो सीमा के प्रहरी हैं वो किस तरह से अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, दुश्मन पर नजर गड़ाए हुए हैं, जोश जज्बा किस तरह से जवानों के अंदर है वो देखते ही बन रहा है। लेकिन इस बीच में अब पाकिस्तानी मुल्क किस तरह से हरकत करने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी पूरी तरह निगरानी गड़ाई गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से मौसम बदलता है, करवट लेता है मौसम, और उसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियां शुरू हो रही हैं, लेकिन इस बार प्रहरी काफी तरीके से यहां पर चौकसी को बढ़ा गए हैं। देखिए बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से बात करें तो लगातार सिक्योरिटी ग्रिड को जो है वो बीएसएफ मजबूत रखती है और पाकिस्तान की हर एक गतिविधि के ऊपर नजर रखती है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज तब हो जाता है बीएसएफ के लिए जब सर्दियां दस्तक देती है। सर्दियों के दस्तक देने के साथ साथ जिस तरह से आगे आने वाले दिनों में धुंध और कोहरा काफी ज्यादा होगा, तो उसी धुंध कोहरे की आड़ में कहने के पाकिस्तानी आतंकी जो है वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में रहेंगे। और उसी को लेकर बात करें तो यहाँ पर पेट्रोलिंग को जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर तमाम बीएसएफ की जो एक्स्ट्रा नफरियां हैं वो तैनात कर दी गई है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के साथ साथ। लेकिन आपको बता दें कि इसका मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से एलओसी पर इस समय लगातार बर्फबारी हो रही है, तो एलओसी के रास्ते से भी कई बार आपने देखा कि घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तानी आतंकी करते हैं, लेकिन अब बर्फबारी की वजह से वहां पर जो है वो घुसपैठ की उसकी कोशिशें जो वो नाकाम हो रही है, और उसी को लेकर अब आईबी का सहारा लिया जा रहा है। और आईबी पर तमाम जितना भी हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा का इलाका है वहां चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी ग्रिड को बीएसएफ ने मजबूत किया है। अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सर्विलेंस के लिए लगातार अत्याधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं परिंदा भी परना मार सके इस तरह का सिक्योरिटी ग्रिड बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे एक कारण और मैं आपको बताता चलूं आशा, जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो इंडिया चाइना फेस ऑफ देखा गया है कुछ दिन पहले, आपने देखा कि चीनी सैनिक किस तरह से वो अंदर आ रहे थे और उन्हें जो भारतीय सैनिकों ने वहां से खदेड़ा है, उन्हीं तमाम हालातों को देखते हुए यहाँ पर जो चौकसी है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी बढ़ा दी गई है। यानी दो मुख्य कारण है, एक तरफ एलओसी पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, आईपी का सहारा आतंकवादी इस समय ले रहे हैं, और उसी के साथ तवांग में जो इस समय देखने को मिला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हालात खराब हो जाए, उसी को लेकर पहले ही चौकसी को जो वो यहाँ पर दो गुना बढ़ा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि ने पूरी जानकारी साझा की है कि किस तरह से सीमा के प्रहरी अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, कि कायराना हरकत अगर दुश्मन मुल्क करने की कोशिश करता है तो उसे किस तरह से नाक चने चबाने हैं, इसके लिए भी जवानों ने मसौदा तैयार कर लिया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पहुंच लिए चलेंगे, और पहुंच से ही एक बड़ी अपडेट आपको दिखा देते हैं, जहां पर पुलिस एक एक्शन मोड में आकर किस तरह से काम कर रही है वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुंछ में पाकिस्तान की काली करतूतों की वजह से किस तरह से हालात बनते हुए नजर आए, क्योंकि काली करतूतों से एक्शन में अब पुलिस आ गई है, और सीमा पार से घर ड्रग्स हासिल करने वाले हैंडलर्स को भी तलाशा जा रहा है, उनकी लगातार तलाश की जा रही है, और पुंछ पुलिस जगह जगह पर नाके लगाकर गाड़ियों की जांच कर रही है। एलओसी के साथ सटे हुए इलाके में तलाशी अभियान ने अब जोर पकड़ लिया है। पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से ड्रोन की मदद से तलाशी अभियान वहां पर चलाया गया था संदिग्ध देखे जाने पर, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि पुंछ के अंदर किस तरह से हरकत जो है वो करने की कोशिश की गई। मढ़ के अंदर से यहाँ पर एक घटना जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन मेंढर से आप देखिए 10वीं कक्षा की बच्ची के पास से 400 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है, और उसके बाद ही पुंछ पुलिस जो है वो लगातार हरकत में आ गई है, और एलओसी के साथ जितने भी सटे हुए इलाके हैं उसमें तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है, और पुंछ में पाकिस्तान की जो काली करतूते हैं उसकी वजह से लगातार पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आ गई है। हैंडलर्स को पकड़ने के लिए तलाश को जारी कर दिया गया है और तलाशी अभियान यहां पर बढ़ा दिए गए हैं। साफ तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, हर एक गाड़ी की गहनता से तलाशी की जा रही है। सीमा पार से ड्रग्स हासिल करने वाले हैंडलर्स को अब यहां पर
पकड़ने की कोशिश, एक बड़ा अभियान यहां पुलिस की तरफ से छेड़ दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि एक 10वीं कक्षा की बच्ची से किस तरह से 400 ग्राम हीरोइन यहां पर बरामद हुई है। तो एक बहुत बड़ा सवाल यह निशान जरूर उठ रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से यहां आतंकवादी गतिविधियां तो करने की कोशिश हो ही रही है, लेकिन नार्को टेररिज्म भी फैलाने की कोशिश। लेकिन इस नार्को टेररिज्म में से किस तरह से बाहर निकलना है, उसके लिए पूरी तरह से मसौदा जो है वो हमारे जवानों ने यहां पर तैयार कर लिया है। आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उन पर नजर रखी जा रही है, गाड़ियों की गहनता से तलाशी की जा रही है, डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस सीआरपीएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और पुंछ में पाकिस्तान की जो काली करतूतें देखने को मिली हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की तरफ से एक बड़ा अभियान छेड़ दिया गया, और पुंछ पुलिस ने जगह जगह पर अब नाके लगा लिए हैं, और एलओसी के साथ सटे हुए जितने भी इलाके हैं जहां पर भी पूरी तरह से तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि जिस तरह से घटनाएं पुंछ के अंदर देखने को मिल रही थी, 90 के दशक में यहां पर आतंकी गतिविधियां देखी गई थी और आतंकी घटनाएं जो है वो पीक पर देखी गई थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को यहां पर रोका गया, आतंक को यहां से खदेड़ा गया। लेकिन एक बार फिर अब पुंछ के अंदर से घटनाएं जिस तरह से सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं सतर्कता जवानों की तरफ से बढ़ती जा रही है। सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सनी ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। जी मैम, आपको आपका बता दूं कि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि पुंछ के अंदर ड्रग्स को लेकर कई खुलासे जो है वो होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से महेंद्र के अंदर दो लड़कियों को हिरासत में लिया गया है, उसके बाद पुंछ पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है, और पुंछ पुलिस की तरफ से जगह जगह पर नाके लगाकर गाड़ी हो या बाहर से आने वाले जितने भी लोग हो जो गांव से सिटी में एंटर हो रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, और उसके बाद ही उन्हें सिटी में आने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। हमने देखा कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव पड़ते हैं उन गांव में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से नाके लगाए गए हैं, और बड़े पैमाने पर जो है वो पूछताछ उन लोगों से हो रही है, क्योंकि हमने लगातार इन इलाकों में देखा है दगवार हो या कसलिया हो, उसके अलावा शाहपुर हो या मेंढर हो, सुरमकोट हो, इन इलाकों में ड्रग्स जो है वो तेजी से जो है वो बढ़ रहा है, उसको उसपे लगाम लगाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जगह जगह पर जो है नाकाबंदी की गई है, और ज्यादातर उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो बाहर से वाहन लेकर पुंछ सिटी में एंटर हो रहे हैं या सिटी से बाहर जा रहे हैं, उन पे कड़ी नजर जो है। सनी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से सनी यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि गहनता से तलाशी की जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं, और किश्तवाड़ से आपको दिखा देते हैं कि चॉपर सेवा यहाँ पर किस तरह से आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और मौसम ने यहाँ पर करवट बदली है। तो किश्तवाड़ के दूरदराज इलाकों में चॉपर सेवा अब वरदान बन गई है, मड़वा ढच्चन और बारवान के लोग यहाँ पर इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं, और रियासती की दरें जो है वो किस तरह से यहाँ पर रखी गई है ये भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रियायती दरों पर अब काम करती हुई प्रशासन और सरकार नजर आई है, क्योंकि रियायती दरों में लोगों को यहाँ पर चॉपर सेवा दी जा रही है, जिसका काफी तरीके से लोग जो है वो फायदा उठा सकते हैं, यहाँ पर लुत्फ उठा सकते हैं। मड़वा डचन और बारवान इलाके के अंदर ये पूरी सेवा का लाभ यहाँ पर आम जनता के लिए, और किश्तवाड़ के दूरदराज के इलाकों में आप देखिए किस तरह से चौपर सेवा जो है वो शुरू कर दी गई है, वरदान यहाँ पर साबित हो रही है, क्योंकि हाल ही में देखिए मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है, ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है मैदानी इलाकों में, और कुछ दिन के बाद यहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बीच में आप देखिए किस तरह से सर्दी के मौसम में आम लोगों को एक सौगात यहाँ पर दी गई है। जिला किश्तवाड़ की खबर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मड़वन और साथ ही साथ डचन और बारवान इलाका है जहाँ पर पूरी तरह से ये सेवा जो है वो दी गई है। ये मड़वा इलाके की बात हो रही है, और रियायती दरें इस बार रखी गई है, जिसका सीधे तौर पर लाभ जो है वो आम जनता उठा सकती है, क्योंकि इससे पहले कई बार विवादों में ये जो सेवा है वो कई तरीके से घिरी कि यहाँ जो दरें हैं वो काफी बढ़ाकर रखी गई हैं, जिसका आम जन भी लाभ नहीं उठा पाता है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि रियायती दरों पर ये सेवा आम जनता को यहाँ पर दी जाएगी, तो जाहिर तौर पर ये समझिए कि इमरजेंसी में भी आपको अगर इस तरह से सेवा मिलती है तो काफी तरीके से फायदेमंद वो साबित हो सकती है। लेकिन रियायती दरों में लोगों को अब यहाँ चॉपर सेवा दी जाएगी, और मड़वा डचन और बारवान के लोग इस सेवा का भरपूर लाभ उठाते हुए नजर आएंगे, और किश्तवाड़ के दूरदराज के इलाकों के अंदर जो ये सेवा यहाँ पर दी गई है तो जाहिर तौर पर आम लोगों को काफी
परेशानी से निजात मिल सकती है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से चॉपर जो है वो अपनी सेवा देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाके की अगर बात करें, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरह से बर्फबारी वहां पर है, और इस बीच में अगर कोई बीमार हो जाता है, आपको अस्पताल का रुख करना है या कहीं पर भी इमरजेंसी आपको पहुंचना है, तो चॉपर आपकी मदद कर सकता है। तो जिला किश्तवाड़ के अंदर ये सेवा आम लोगों को दी गई है। तो जाहिर तौर पर समझिए कि जिस तरह से सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं वो हकीकत में उतरता हुआ जमीन पर जरूर नजर आ रहा है। और अगर इसी तरह से आम लोगों को फायदा दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर लोगों को इसका लुत्फ जरूर उठाना चाहिए, लाभ जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए भी कुछ युवा जो हैं वो किश्तवाड़ से बाहर जाना चाहते हैं। मड़वा, डचन, बारवान इलाके के अंदर भी कई ऐसे युवा हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इस सेवा का लाभ वो उठा सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। अजय शान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से एक सौगात से कम तो नहीं कहा जाएगा, किस तरह से ये सेवा वहां पर दी जा रही है और लोगों की प्रतिक्रिया सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। जी आशा, बिल्कुल। देखिए, जिस साल भी हमने देखा कि कई दिक्कतों का सामना इन इलाकों में लोगों को करना पड़ रहा था, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर सेवा थी वो चल नहीं रही थी। इस बार जो प्रशासन ने फैसला लिया है जम्मू संभाग ने, उसके चलते रियायती दौरों पर फिर से ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है। पहले हेलीकॉप्टर जम्मू से किश्तवाड़ आता है, यात्री इससे इसका भी लाभ उठा सकते हैं, और किश्तवाड़ हेलीपैड से दक्षिण बड़वा और वार्डन के लिए सेवा शुरू कर दी गई है। ये जो हमें बताया जा रहा है कि रियायती दौरों पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि जो गरीब इलाका है, यहाँ के लोग काफी गरीब हैं, पिछड़े हुए, तो उनको कोई लाभ पहुंचे। तो जो स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई है, खासकर युवा से जो बात हुई है, तो उनका कहना था कि ये वरदान साबित हो रही है, तब जबकि पूरा इलाका जो उनका है, सर्दियों में बर्फबारी से चलते सड़क संपर्क कट जाता है, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से लिपटा होता है, चाहे इमरजेंसी हो या दूसरे जरूरी काम हो, उसके लिए उनको अपनी जान को जोखिम में डालकर ग्लेशियर से गुजरना पड़ता था, लेकिन फिर भी उनके काम नहीं होते थे। लेकिन अब जबकि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है, उनका जिला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ के साथ रब्ता कायम है, और जो दूसरे इलाके हैं देश के, वहां वो आराम से जा सकते हैं। खासकर जो कैरियर उनका जो तबाह हो रहा था, नुकसान हो रहा था, उसमें आप कहीं ना कहीं उनको लाभ होता जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अजय, जिस तरह से पिछली बार की आपने बात की है, तो दरों को लेकर लोगों में काफी तरीके से कश्मकश का माहौल था, इस बार रियायत दी गई है दरों में? जी बिल्कुल, जो हमें बताया जा रहा है कि इसमें रियायती दरों पर ही ये जो टेंडर हुआ था, इसमें सरकार भी अपना कुछ शेयर डाल रही है, तो जिससे लोगों को इसमें राहत हो, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर सेवा पहले हमने मचेल में देखी थी, 30 किलोमीटर के लिए करीब 2500 से ज्यादा का चार्ज दिया जा रहा था, लेकिन उसे लंबी लंबी फ्लाइटें ये जा रही है, दूर दूर तक जा रही है, और काफी कम किराया रखा गया है। हालांकि लोगों को इसमें कहना है कि देखिए, जो दक्षिण के लिए फ्लाइट जा रही है उसके लिए 1000 रुपया है, जो मड़वा के लिए जा रही है 1500 रुपया है, जो इंचन के लिए जा रही है वो 2000 रुपया एक तरफ का प्रति यात्री फिक्स किया गया है, जबकि जम्मू से किश्तवाड़ जो आना चाहेगा उसका प्रति यात्री एक तरफ का 4000 फिक्स किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक जो मार्केट वैल्यू है, जो कमर्शियल रेट है, उसके काफी कम रखा गया है, लेकिन लोगों की यह मांग है कि इसको और कम किया जाए। आगे क्या कॉल लेती है प्रशासन, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल हर रोज यहाँ से फ्लाइटें रेगुलर जा रही हैं, लोग जो हैं बड़ी संख्या में इसका लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, अजय बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय पूरी जानकारी दे रहे थे और फिर भी उन्होंने बताया है कि कितना किराया यहाँ पर निर्धारित किया गया है, तो जाहिर तौर पर लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए और इस वक्त एक सौगात से कम नहीं है। और साथ ही आपको ये बताते चले कि डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, ये कई ऐसे इलाके हैं जो बर्फबारी की वजह से काफी प्रभावित भी होते हैं, लेकिन इस बीच में चॉपर सेवा कहीं पर और कहीं पर हेलीकॉप्टर की सेवा अगर दी गई है, तो जाहिर तौर पर आम जनता को फायदा यहां पर होगा। आगे बढ़ जाएगी, अब आपको जिला कठुआ लिए चलते हैं और कठुआ से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से खबर जो है वो देखने को मिली है इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला कठुआ से, क्योंकि कठुआ में चोरों ने अब एक बार फिर से अपना यहां आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। चोरों ने यहां पुलिस को एक बार फिर से खुली चुनौती दे दी है। हाईवे से सटे हुए कूटहा मोड़ में कई दुकानों में सैंधमारी की घटना को अंजाम दिया गया और रात के अंधेरे में तोड़े गए हैं यहां पर ताले और पूरी तरह से माल उड़ाकर रफू चक्कर ये चोर हो गए हैं और सीसीटीवी कैमरा में चोर की ये पूरी तरह से काली करतूत जो है वो कैद हो गई है और पुलिस अब निशानदेही कर रही है। चोर यहां पर कितनी जल्दी पकड़े जाएंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि पुलिस को अब हरकत में आने की जरूरत है। इससे पहले जिला सांबा के अंदर हर दिन चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था चोरों की तरफ से, लेकिन अब सैंधमारी जो है वो जिला कठुआ के अंदर भी देखने को मिल रही है। हाईवे से सटा हुआ इलाका है कूटहा मोड़,
जहां पर दुकानों में ये सहधवारी हुई है और रात के अंधेरे का यहां पर फायदा उठाकर दुकानों के ताले तोड़ दिए गए हैं और पूरा माल उड़ाकर रफू चक्कर यहां से चोर हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी तस्वीरें कैद हो चुकी हैं, लेकिन अब यहां पर इस गुत्थी को कितनी जल्दी और किस तरह से पुलिस खंगालेगी और सामने रखेगी ये बड़ी बात है, क्योंकि कई बार पुलिस पर भी सवाल या निशान उठते हुए नजर आए थे। क्योंकि आप देखिए जिला कठुआ के अंदर खुली चुनौती किस तरह से चोरों ने यहां पर पुलिस को दे दी है और अब देखना ये होगा कि कितने समय में पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी करके यहां पर सामने रखा जाएगा। क्योंकि पूरी तरह आप देखिए जिला सांबा के अंदर भी हौसले किस तरह से चोरों के बुलंद नजर आ रहे थे, लेकिन उसमें भी सांबा पुलिस पूरी तरह से हरकत में आई और रोक लगाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जिला सांबा के साथ साथ यहां कठुआ से भी खबर सामने आ रही है जहां पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक पुलिस की तरफ से? आशा, मैं बताऊं कि पिछले रविवार को जैसे हीरानगर के हीरानगर मोड़ पर 16 दुकानों के ताले जो चोरों ने तोड़े थे, उसके बाद आज जो घटना हुई है वो कूटा मोड़ की है, जो साथ लगता है हमारा एक बड़ा गांव है कूटा, वहां की मार्केट है, वहां पे 100-150 के करीब दुकानें हैं, लेकिन चोरों ने करीब 8-10 दुकानों के ताले को तोड़ा है और वहां के गल्ले से हमें रखी नकदी पर हाथ साफ किया है। लोग दहशत में आ चुके हैं, लगातार चोरियों का ग्राफ जो है कुछ जिला कठुआ में बढ़ता जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में चोर अभी तक आए नहीं है। पिछले कल भी कठुआ में भी एक चोरी की घटना हुई थी दुकान में, और लगातार चोरियों का सिलसिला बढ़ने से लोगों के में दहशत है और पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, क्योंकि चोरी सीसीटीवी में भी चोर की तस्वीर साफ तौर पर कल भी पिछले चोरी में भी दिखाई दी थी और आज की चोरी में भी दिखाई दी है। जिससे थाना प्रभारी से मेरी बात हुई तो वो कहता है कि उन्होंने कहा कि हम काफी करीब पहुंच गए हैं चोर के और जल्द ही चोर जो है उनकी गिरफ्त में होगा। वही लोगों की मांग है, उन्होंने एसएसपी कठुआ से मांग की है कि चोरी की बढ़ती घटनाओं से निजात दिलाने के लिए पुलिस की गश्त को हर गांव में बढ़ाया जाए, खासकर जो बड़े कस्बे हैं उनकी जो मार्केटें हैं, क्योंकि चोर जो है चोरों के लिए जो वो साफ टारगेट है। और लोगों का यही भी कहना है कि जो नशा जो है बढ़ता जा रहा है समाज में वो चोरी का मुख्य कारण बनता जा रहा है। कि जो ये चोरी की घटना यहाँ पर पेश आई है, इसके भी तार नशे के साथ ही जुड़ते हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसा तो नहीं? बिल्कुल जो लोग हैं, लोगों का आरोप है कि जो नशेड़ी लोग हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत होती है और वो पैसा शॉर्टकट तरीके से हासिल करने के लिए चोरी वगैरह का अंजाम देते हैं, जिससे वो जो सॉफ्ट टारगेट जो गांव में जहां कहीं मार्केट बनी होती है, जहां पे पहरा नहीं है पुलिस का, जहां लोग चौकीदारी नहीं है, वहां पे वो ताले तोड़ के नकदी पर हाथ साफ करते हैं रहते हैं, और आए दिन ऐसी घटना आने से पुलिस के लिए ये चोर सरदर्द बने हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए रंजीव। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है चोरों की तरफ से, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है जिसमें पुलिस अब काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर रंजीव की तरफ से भी छोड़ दिया गया है कि ये जो चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसके तार कहीं ना कहीं नशे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है और जिला कठुआ के एसएसपी को ध्यान देने की जरूरत है कि जिस तरह से चोर लगातार हौसले बुलंद करके घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से रोक लगानी है काम किया जाए। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ की गई ओछी टिप्पणी पर जहां भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, वहीं भाजपा ने भी देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो जम्मू में आज प्रदेश भाजपा की सभी इकाइयों ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का मुद्दा चलाया और उसके खिलाफ मुर्दाबाद की नारेबाजी भी यहां पर की है। और आपको यह भी बताते चले कि भाजपा नेताओं का कहना था कि अपने मुल्क को दो वक्त की रोजी रोटी देने में यहां नाकाम ये हुआ है आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला मुल्क पाकिस्तान और विदेश मंत्री जो इसके ही अपनी मानसिकता यहां खो चुके हैं। और भुट्टो ने 135 करोड़ भारतीयों से माफी मांगनी है, क्योंकि जिस तरह से अभद्र टिप्पणी यहां प्रधानमंत्री की गई है, इस पर माफी मांगना बहुत जरूरी। अगर नरेंद्र भाई मोदी की जी के खिलाफ कोई अगर बयान आया तो 135 करोड़ जो लोग हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। और इसको भुट्टो को माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान से, जो कूटनीति जो पॉलिसी
हिंदुस्तान की है, इसको राजनीति या कूटनीति के बारे में पता नहीं है। ये ऐसे बयान देकर पूरे विश्व भर के अंदर जो आतंकवाद से है इसकी उसको बढ़ा रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान जो दो वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, बिलावल भुट्टो जो अपने आंतरिक मामलों को ठीक नहीं कर पा रहे, वो पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री चलाता है, वो पाकिस्तान जो आम मुसलमान और कश्मीरी का दुश्मन है, उसको मारने को लगा है, वो पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो हमारे देश के प्रधानमंत्री पर ओछी बयानबाजी करे वो स्वीकार नहीं है, और लानत भेजते हैं उस बिलावल भुट्टो को, और उसको माफी मांगनी पड़ेगी। 135 करोड़ देशवासियों की जो एस्पिरेशन है, उनके जो मन के भाव है, उनका रोष है। ये जो आज पूरे भारत के अंदर सड़कों पर निकल के नौजवान और बुजुर्ग और महिलाएं बिलावल भुट्टो को लानत भेजते हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।